हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने चैनल इंग्लिश बाय अनुपम चौहान सर पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैंने अभी आपको प्रोनाउन की दो क्लासेस में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को समझाया था, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की दोनों की एरर्स करवाई भी थी। आज मैं आप लोगों को पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन इन दोनों की एरर्स को समझाऊंगा जो कि एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पजेसिव एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ मैंने बताया था हमेशा क्या चलती है, नाउन। वो नाउन क्या हो सकती है, सिंगुलर, प्लुरल या अनकाउंटेबल। और मैंने इसका सेकेंड केस जो आप लोगों को बताया था वो था पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी फ्रेंड्स नाउन का यूज नहीं हो सकता था, ना सिंगुलर, ना प्लुरल, ना अनकाउंटेबल। मैंने आपको बताया कि पजेसिव प्रोनाउन के अंदर नाउन छुपी हुई होती है, मगर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ये दोनों पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट भी बनकर आ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट। सेम, ये भी सब्जेक्ट बनकर आ सकता है और ऑब्जेक्ट। दोनों में कॉमन रूल था कि जब पजेसिव एडजेक्टिव यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर आएगा तो हमें वर्ब को देखने की जरूरत नहीं है। यदि पजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है तो वर्ब को देखने की जरूरत नहीं है, और पजेसिव प्रोनाउन भी सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है तो हमें वर्ब को देखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने ये बताया कि यदि पजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आ रहा है तो हमारी कंडीशन थी कि यदि नाउन सिंगुलर आ रही है तो एसएचवी लगा दो, नाउन प्लुरल आ रही है तो पीएचवी लगा दो, और यदि नाउन अनकाउंटेबल आ रही है तो हमें किसका यूज करना है, एसएचवी का। यदि नाउन अनकाउंटेबल आ रही है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें किसका यूज करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। और मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउन का बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यदि नाउन सिंगुलर आ रही है तो एसएचवी, प्लुरल आ रही है तो पीएचवी, और अनकाउंटेबल आ रही है तो एसएचवी। इस तरीके से हमने तीन अलग अलग ब्लॉक्स की स्टडीज की थी। आज मैं इनकी एरर्स करवाऊंगा, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। और इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो है आप इसमें इसको डिटेल से अच्छे से देख सकते हैं, मैंने इसका फंडामेंटल पूरा आप लोगों को समझाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहली एरर यहां पर मैंने लिखा, नाउ आवर इज ग्रेट कंट्री। नाउ दिस इज द फर्स्ट एरर, मैं आपको एक एक एरर करके दिखाऊंगा। नाउ आवर इज ग्रेट कंट्री, तो ये सेंटेंस देखिए। अब ओ यू आर, आवर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, तो सबसे पहला रूल क्या था कि पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी बिना नाउन के नहीं आ सकते, तो ये तो सबसे पहले एरर हो गई। अब ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था हम एक ही सब्जेक्ट, एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो यदि कंट्री आगे आ रही है ऑलरेडी, तो कंट्री नाउन है, ये यदि कंट्री जो है नाउन है, और नाउन के पहले ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। यदि कंट्री यहाँ पे नाउन है ऑब्जेक्ट के प्लेस, तो ग्रेट यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। यू नो मच बेटर, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री उसकी। तो जब यहाँ पर कंट्री ऑलरेडी है तो मैं इस आवर को पहले कन्वर्ट कर दूंगा आवर्स। नाउ ये बन गया पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन के भीतर नाउन छिपी हुई है, तो आवर्स के अंदर क्या छुपा हुआ है, कंट्री। कंट्री कितनी है, एक। तो यहाँ पे एग्जाम में जैसे दो क्वेश्चन आए, आर और इज, तो आपको समझना है यहाँ पर आवर्स लिखा हुआ है, वी नहीं लिखा हुआ है, वी के साथ आर आता है, तो हमारी कंट्री, तो आर यहाँ पे गलत, हमारी कंट्री कितनी है, एक। तो नाउ आर्टिकल की एरर। यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पैटर्न चलता है, चाहे एसएससी हो या अदर्स जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं। तो हमने कंट्री को देखकर क्या लगा दिया, एक। अभी मैंने इसको पजेसिव प्रोनाउन से बनाया, नाउ सेम सेंटेंस आई कैन चेंज इनटू द पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए कैसे बनेगा, नाउ आवर कंट्री। तो देखिए मैं एरर्स बना रहा हूं। अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया आवर्स कंट्री, और मैंने लिख दिया इज आर ग्रेट, और यहां पर ए लगा दिया। तो सबसे पहले पजेसिव प्रोनाउन, आवर्स क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं होता, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आती।
तो सबसे पहले इसको सही करने के लिए मैंने अवर में से क्या हटाया, एस, अब कंट्री नाउन है, तो अवर कंट्री हमारा देश, तो हमारे कोई 20-25 देश तो नहीं है, एक ही देश है, तो आर की जगह क्या आएगा, इज, अब ए नहीं आ सकता क्योंकि ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल जो होते हैं वो एडजेक्टिव के लिए नहीं आते हैं, आर्टिकल जो आते हैं नाउन के लिए, ए और एन, वो भी कौन सी नाउन, सिंगुलर काउंटेबल। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। देखिए मैं आपको सेकंड बताता हूं। अब जैसे मैंने लिखा ना, फॉर एग्जांपल, नाउ माइंड इज अ ब्लैक पेन, ठीक है, तो माइंड, माइंड के अंदर को छुपा हुआ है पेन, तो माइंड इज अ ब्लैक पेन, तो मैंने यहां पे पेन को देखकर इस लगाया और एक पेन को क्या लगाया, एज। यदि मैं यहां पर इसको चेंज करना चाहूं, ये पजेसिव एडजेक्टिव में और पजेसिव प्रोनाउन में, तो मैं बोलूंगा नाउ माय पेन इज ब्लैक। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैंने अब माइंड को, माइंड के अंदर पेन छुपा हुआ है, तो मैंने जब इसको तोड़ा पजेसिव एडजेक्टिव में, तो माइंड में क्या छुपा था, पेन, तो माय पेन हो जाएगा, क्यों, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इट मींस माय पेन इज इक्वल टू क्या है, माइंड, बहुत से, तो जब पेन उठ के माय के साथ आया, तो अब ब्लैक नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और एडजेक्टिव बनकर आ रहा, तो आर्टिकल का तो यूज हो नहीं सकता। अब देखिए मैं सेंटेंस को यदि चेंज करता हूं, तो थर्ड वन, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया नाउ माय पेन्स आर ब्लैक, तो देखिए कैसे चेंज हो जाएगा थर्ड नंबर का, नाउ माइंड, माइंड आर ब्लैक पेन्स, अब इस माइंड के अंदर क्या छुपा हुआ है, पेन्स, तो इस पेन्स को देखकर मैंने यहां पे माइंड के साथ क्या यूज किया है, आर का, तो इस तरीके से हमको एग्जाम में फोकस करना है कि हम जब माइंड में टेंस की बात कर रहे हैं तो आर का यूज किया, जैसे देखिए अब मैंने यहां पे यूज किया नाउ माय गोल्ड इज, माय गोल्ड इज कॉस्टली, मेरा सोना महंगा है, तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, माय गोल्ड को क्या लिखूंगा, माइन इज, अब ये गोल्ड यहां से उठकर कहां जाएगा, माइन इज कॉस्टली गोल्ड, तो ये चेंज हो गया, जो चीज ऊपर पजेसिव एडजेक्टिव है वही चीज किस में हुई, पजेसिव प्रोनाउन में, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर बाय ऑर्डर आपको इस तरीके से क्लियर करते जाना है कि हम कैसे चीजों का यूज कर रहे हैं। अब देखिए जैसे मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको करके बताता हूं, जैसे मैंने लिख दिया नाउ यू आर वॉज वेयर गुड टीचर, वो कह रहा है तुम्हारा अच्छा टीचर था, तो सबसे पहले यू आर, यू आर पजेसिव एडजेक्टिव है और उसका पजेसिव प्रोनाउन है, फ्रेंड्स आप टेबल में देख सकते हैं योर्स, तो जब यू आर पजेसिव एडजेक्टिव है तो हम यहां पे नाउन का यूज करेंगे, तो ऑलरेडी नाउन पीछे चली रही है टीचर, दो बार नाउन में आएगी, तो मैंने योर को पहले कन्वर्ट कर दिया योर्स, अब योर्स क्या बन गया है यहां पर पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन के अंदर क्या छुपी हुई है नाउन, नाउन कौन सी है टीचर, टीचर कितना है एक, तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेगा अ गुड टीचर, तो जब टीचर एक है तो वॉस राइट आंसर है और वेयर गलत है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा एक अच्छा टीचर था। अब इसी सेंटेंस को यदि मैं पजेसिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करूंगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा नाउ योर टीचर वॉज गुड, करेक्ट आंसर क्या होगा नाउ योर टीचर वॉज गुड, देख रहे हैं आप, तो यदि बाय चांस अब मैं यहां पे योर्स लिख देता तो ये गलत है क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन बन जाता, पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं होता है, तो योर में यदि एस लगाऊंगा तो गलत है, तो करेक्ट आंसर केवल क्या है योर टीचर वॉज गुड, तो इस तरीके से हमको फोकस करना है। देखिए एक और, जैसे हिज मैंने लिखा
Now his, is, are. Now his, is, are. Now his is are. Beautiful gardens. अब देखिए वो कहता है उसके सुंदर गार्डन्स थे, तो हिज का पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज है और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज है, तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है हिज के केस में। तो अभी इसके साथ नाउन नहीं आ रही है, यदि नाउन नहीं आ रही है तो हमें यही मान के चलना है ये पजेसिव प्रोनाउन है। यदि इसके साथ नाउन होती तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता, तो हिज के अंदर क्या छुपा हुआ है, गार्डन। तो देखिए गार्डन में क्या लगा हुआ है, एस, मतलब ये नाउन क्या चल रही है, प्लूरल। जब हम गार्डन में एस की बात कर रहे हैं तो गार्डन में कौन सी नाउन छुपी हुई है, प्लूरल। तो जब गार्डन्स को देखकर हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, आर, और ये क्या है, गलत है। अब इसको मैं पजेसिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, नाउ हिज गार्डन्स आर ब्यूटीफुल, हिज गार्डन्स आर ब्यूटीफुल। तो हमें इस तरीके से इसको चेंज करने की कोशिश करनी है कि हम किस तरीके से सेंटेंस को वो कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहां पर गार्डन में एस लगा हुआ तो यहां पे आर आ गया। अब मैं यहां से गार्डन में से एस को हटा देता हूं, तब ये नाउन क्या बन जाएगी, फ्रेंड, सिंगुलर। अब ये नाउन क्या बन गई, यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हो रहा है। हम यहां पर किसका यूज कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कर रहे हैं। तो यदि नाउन यहां पर सिंगुलर काउंटेबल है तो सबसे पहले यहां पर हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का, क्योंकि गार्डन कितना है, ए। जैसे ही एक आया तो अब यहां पर आर गलत, हम यहां पर क्या लगा देंगे, इज। तो हिज इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, उसका एक सुंदर गार्डन था, कितना गार्डन, एक। अब इसी सेंटेंस को यदि मैं चेंज करना चाहूं, अब एक है तो मैं हिज गार्डन है, तो इस गार्डन में से मैंने क्या हटाया, एस। जैसे ही मैंने यहां पर गार्डन में से क्या हटाया, एस, तो अब हम यहां पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, इज। ओके फ्रेंड्स, जैसे देखिए नाउ यू आर मिल्क इज प्योर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नाउ योर्स इज, इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, नाउ योर्स इज प्योर मिल्क। इस प्रकार की ये कन्वर्सेशन चलते रहेंगे, तो हमें इन सब चीजों को समझने की कोशिश करना है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लूंगा, जैसे देखिए नाउ देयर्स, तो मैंने देयर लिख दिया, नाउ देयर आर ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको स्टूडेंट लिख दिया। अब देयर पजेसिव एडजेक्टिव है और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या है, देयर्स। तो आपको खुद समझना है कि यदि यहां पर मैं बात करूं, मैंने सबसे पहले देयर लिखा है, यदि ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन इसके साथ आएगी, बिना नाउन के हम पजेसिव एडजेक्टिव को नहीं लिख सकते। तो इसके सबसे पहले हम पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे, तो देयर का पजेसिव प्रोनाउन क्या है, देयर्स। अब हमें देखना है देयर्स के अंदर क्या छुपा हुआ है, स्टूडेंट, स्टूडेंट कितना है, ए। तो आर गलत, इज आ जाएगा, यदि वेयर होता तो क्या होता, वॉज। अब स्टूडेंट कितना है, ए, तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, एन। इसी को मैं एडजेक्टिव में चेंज करूंगा तो अब होगा नाउ देयर स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, इस तरीके से हमें करते रहना चाहिए, हम किसी भी तरह से उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर मैं वो बोलूंगा कि यदि अब यहां पर इज है, अब मैंने स्टूडेंट में क्या लगाया, एस, तो यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर। अब एन गलत, और यहां पे भी स्टूडेंट में एस और इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर। क्लियर, तो हम ऐसे मूव कर सकते हैं किसी भी चीज को। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल नाउ देयर इज आर माइन गोल्ड कॉइन्स इन योर पर्स, वो कह
कहता है कि वहां तुम्हारे पर्स में, वहां तुम्हारे पर्स में मेरे सोने के सिक्के हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं गोल्ड कॉइंस की। तो गोल्ड कॉइंस क्या है? नाउन, और नाउन के साथ कभी भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं हो सकता। पहली अगर तो माइन की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माय। तो कॉइंस कितने हैं? नाउन क्या चल रही है? पीसीएन। तो इस गलत यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर। और यदि मैं यहाँ पे कॉइंस की जगह केवल क्या लिखता? माय गोल्ड कॉइन, तो फिर आर की जगह में क्या लिखता? इस तरीके से हमें बैलेंस करना है। या देखिए, अ चेयर हैज, His four legs. एक कुर्सी के पास उसकी कितनी टांगें होती है? चार। जब हम चेयर की बात करते हैं तो चेयर नाउन ले लेंगे, तो इसका सब्जेक्ट क्या बना? इट। तो यहां पर his गलत, इट का पजेसिव केस क्या होता है फ्रेंड्स? इट्स। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे ही का पजेसिव केस हिज है, शी का, हर है, दे का, दे आर है, वी का आवर है, वैसे इट का पजेसिव केस क्या होता है? इट्स। और इसको हमेशा याद रखना, ये जो इट इज होता है, इसका मतलब होता है इट एपोस्ट्रोफी एस। जैसे आप बोलते हैं इट्स माय लाइफ, मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई हैं, तो ये इट्स होता है। मगर हम जब इट्स इट वाला इसकी बात करते हैं, तो इसका पजेसिव केस क्या होता है? इट्स। तो एक चेयर के पास उसकी कितनी लेग्स है? चार। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मैं ये बोलता हूं पजेसिव केस में, नाउ आई एम डूइंग योर वर्क, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, तो ये सेंटेंस प्रैक्टिकली लाइफ में गलत नहीं है। इवन कई बार हो सकता है एग्जाम में भी सही हो सकता है कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं। बट यदि हम मेन केस देखें, तो आई का पजेसिव केस क्या होता है? योर नहीं होता है, वो होता है माय। तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस योर के पहले क्या होना चाहिए? माय। जैसे शी इज डूइंग माय वर्क, वो मेरा काम कर रही है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं। बट यदि हम एग्जाम की बात करें, ये लाइन लिखी आ रही है कि शी इज डूइंग माय वर्क, तो गलत है। हमें एग्जाम में पहला प्रेफरेंस किसको देना है? कि शी इज डूइंग हर वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, वी आर डूइंग आवर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, एंड इट इज डूइंग इट्स वर्क। ओके, इस तरीके से हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जैसे एक बंदा बोलता है कि यू आर डूइंग माय वर्क, तुम मेरा काम कर रहे हो, ये सेंटेंस गलत नहीं है ग्रामेटिकली, ये सही है। मगर बेटर ऑप्शन क्या होगा? यू आर डूइंग माय वर्क नहीं, यू आर डूइंग योर वर्क। हमें उस चीज को बहुत फोकस करना है एग्जाम में। तो ये सब चीजें बहुत समझ के साथ और बहुत उससे सोचकर उनको एग्जाम में चलनी है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा मार्क्स को गेन कर सकें। ओके फ्रेंड्स, दूसरी चीज देखिए, जैसे मैंने लिखा, मैं एक और एग्जांपल करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए नाउ, अब मैं लिखता हूं नाउ आवर स्टूडेंट हैज बीन taught by me अब वो कहता है हमारे स्टूडेंट मेरे द्वारा पढ़ाए गए। तो हमारे स्टूडेंट बोलना सही नहीं है, कि यदि मैं हमारे स्टूडेंट मेरे द्वारा पढ़ाए गए तो गलत बात है। यदि मैंने बच्चों को पढ़ाया है तो वो स्टूडेंट हमारे नहीं होंगे, वो स्टूडेंट कौन होंगे? माय स्टूडेंट होंगे ना। भाई पढ़ा कौन रहा है? मी। तो मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है? आई का। तो मेरे हमारे स्टूडेंट नहीं होंगे, द फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू माय। तो अवर से बेटर ऑप्शन क्या होगा? माय। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहां पे माय लिखा, तो स्टूडेंट कितना? एक। तो एक के साथ, सॉरी, एक के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज का। तो हैज सही है, हैव गलत है। मगर यदि यहां पे स्टूडेंट में हैज लग जाए, तो ये नाउन पीसीएन हो जाएगी, तो फिर हम किसका यूज करेंगे? हैव का। तो जैसे माय स्टूडेंट, एक स्टूडेंट आ रहा है तो हैज आएगा, मगर माय के साथ स्टूडेंट में हैज लग गया तो क्या आएगा? हैव। हम माय को नहीं देख रहे, हम किसको फोकस कर रहे हैं? नाउन को, कि मेरा स्टूडेंट मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। अब देखिए, जैसे नाउ देयर
पैसिव में एक सेंटेंस लिखा है उनके दोस्तों को दिल्ली भेजा गया, तो यहाँ पर देयर में फ्रेंड में क्या लगा हुआ है एस, जब एस लगा हुआ है तो क्या आएगा देयर, मगर यदि यहाँ पर केवल फ्रेंड होता तो हम किसका यूज करेंगे वॉस का, तब हमें देयर को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमको एरर्स को फोकस करना है एग्जाम में कि क्या सब्जेक्ट चल रहा है, क्या ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें हर चीज को डिसाइड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं केवल आपको इतना डिस्क्राइब करूंगा इसके बारे में, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इट के बारे में बताऊंगा। आप सभी लोगों से एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखिए और कोशिश करिए कि अदर्स लोगों को आप उसको बताएं उसके बारे में, और लोगों से शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आता है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।